दोस्तों भारतीय टीम इस समय पाकिस्तान के खिलाफ आए है, पर दोस्तों मैच में बहुत ही बुरी स्थिति में फंस गई है क्योंकि टीम इंडिया का वो मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसी के कारण टीम इंडिया प्रॉब्लम में फंस गई है सुपर फोर में जाने के लिए। लेकिन अभी भी भारतीय टीम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। दरअसल दोस्तों एशिया कप जिसकी शुरुआत 30 अगस्त को हुई थी, 2 सितंबर को उसमें एक अनोखा मुकाबला खेला गया था। वो महामुकाबला हुआ भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में पल्ले कैली में खेले गए मुकाबले में। लेकिन दोस्तों सबकी निगाह टीम इंडिया पर टिकी हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन टीम इंडिया को हर हालत में जीत चाहिए थी, पर इस मुकाबले में दोस्तों देखा जाए तो जब भारतीय टीम ने टॉस जीतकर किया था फैसला पहले बल्लेबाजी करने का, पर लेकिन देखा जाए तो ये उनका फैसला बहुत ही गलत साबित हो गया क्योंकि टीम इंडिया ने सिर्फ 266 रन ही बना पाए और पूरे 50 ओवर की बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए टीम इंडिया। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की टीम तो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आई, लेकिन बारिश आ गई और बारिश में पूरा का पूरा मुकाबला वो रद्द कर दिया। दोस्तों पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डाले तो पाकिस्तान टॉप पर है। पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर ली है सुपर चार के आगे। पाकिस्तान के आगे क्यू भी लिख दिया, क्यू मतलब क्वालिफाई भी कर दिए उन्होंने और उनके 3 पॉइंट्स है। लेकिन टीम इंडिया अभी भी उनके नॉट रिजल्ट वाले पॉइंट्स के साथ 1 पॉइंट के साथ है। लेकिन भारतीय टीम के पास अभी भी एक ही आखिरी रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है वो जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी टीम को आप प्यार करते हैं। तो आइए बताते हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर को है और वो ये मुकाबला नेपाल के खिलाफ है, वो भी पल्ले खेल के सेम ग्राउंड पे होगा। अगर टीम इंडिया ये मुकाबला नेपाल के वो मुकाबले जीतती है तो अब जाकर सुपर चार में क्वालिफाई करेगी। अगर भारतीय टीम किसी भी वक्त से हार जाती है तो भारतीय टीम नेपाल के मुकाबले से और यहाँ नेपाल के मुकाबले से बाहर हो जाएगी और पूरा का पूरा एशिया कप से बाहर हो जाएगी टीम इंडिया।